अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदनान नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडिज़ॉन। आज हम सीखेंगे कि हम सीजे ड्रॉप शिपिंग से कैसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। आए सबसे पहले चलते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग की तरफ। यहाँ पे हम जाएंगे, ये मैंने सीजे ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अगर आपका इधर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लें, बहुत ईजी है। तो उसके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा कि इसका अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हम यहाँ पे गए, हम अपना सबसे पहले हमने शॉपिफाई को सिलेक्ट किया, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना पड़ता है वो ये है कि हम इसको अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच करें। ये ऑलरेडी हमारे दो स्टोर हैं, ये हमारा स्टोर है। हमने जब स्टोर ऑथोराइजेशन में गए, वहां पे शॉपिफाई पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे ये उसने हमें कनेक्ट कर दिया या दिखा दिया कि ये दो आपके स्टोर है, ये हमारा स्टोर कनेक्ट है। इसको हम ओके करेंगे, दोबारा सीजे ड्रॉप शिपिंग पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट जो है उनको सर्च कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कहते हैं जी मैन टी शर्ट समेत दिखाएं, ये एंटर किया, ये उसने दिखा दिया, ये मैन टी शर्ट्स हैं जी। अब सीजे ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए जो टर्म यूज होती है वो है ऐड टू क्यू। अब इसको एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू क्यू इसको करते हैं, फिर हम ये एक प्रोडक्ट है इसको ऐड टू क्यू करते हैं, फिर हम ये इस एक प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमने तीन प्रोडक्ट्स यहाँ से हमने उठा ली। अब इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखें, ये लिस्ट 408, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट 408 408 मरतबा लिस्ट हुई है। यहाँ पे लिखा है 453, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट 453 टाइम्स लिस्ट हुई है सीजे ड्रॉप शिपिंग पे। अब इसका जो फर्दर है वो ये तमाम आइटम्स जब हमने सेलेक्ट कर ली, एड टू क्यू में किया तो ये क्यू में चले गए। यहाँ पे हमें वो अब हमारी तीनों प्रोडक्ट्स दिखा देगा, ये जी हमारी वो तीनों प्रोडक्ट्स आ गई। हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे या इनको प्रोडक्ट को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे मैनुअल लिस्टिंग जो है इसको अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर लेके जाने के लिए। इससे पहले हम बल्क एडिटिंग करेंगे इसकी प्राइस को एडजस्ट करने के लिए। रिकमेंडेड प्राइस ये है योर प्राइस, ये इसने डॉलर में दी है, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सीजे प्राइस क्या है, वो कह रहा है कि फर्ज करें आपकी प्राइस यहाँ पे $11 है, ये सीजे ड्रॉप शिपिंग की प्राइस है, आप इसकी प्राइस कितनी रखना चाह रहे हैं। तो हम दोबारा से बल्क एडिटिंग में जाएंगे, हम कहेंगे कि मल्टीप्लाई करे उस 11 को 3 टाइम, 11 3s are, वो उतनी टाइम उसको मल्टीप्लाई करके हमारी प्राइस एडजस्ट कर देगा। ये कंफर्म किया, आप देखें प्राइस थी 11.48, अब हमारी प्राइस होगी $34.44। ओके, अब इसको इन तमाम प्रोडक्ट्स को हमने अपने स्टोर के अंदर कैसे लेके जाना है। फर्स्ट स्टेप था कि हमने उसकी प्राइस एडजस्ट करनी थी, हमने प्राइस एडजस्ट कर ली। अब सेकंड स्टेप है कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को हमने अपने स्टोर के अंदर कैसे लेके जाना है। एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसको क्यू में लेके गए, उसके बाद जब वो क्यू में ऐड टू क्यू किया वो क्यू में चलेंगी, हमने क्यू पे सेलेक्ट किया, उसके बाद उनको सारों उनकी प्राइस को एडजस्ट करने के लिए हम बल्क एडिटिंग में गए, वहां पे उसको मल्टीप्लाई किया, जितने टाइम हमने उसकी प्राइस रखनी है हमने 3 टाइम रखी, और जो सीजे ड्रॉप शिपिंग की प्राइस थी उसने 3 से मल्टीप्लाई करके हमें बता दिया कि आपकी प्राइस $34.44 है। अब ये तो हमारी प्राइस एडजस्ट होगी, अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसको अपने स्टोर में कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए सीजे ड्रॉप शिपिंग यूज करता है मैनुअल लिस्टिंग। हम मैनुअल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो पूछेगा कि स्टोर कौन सा आपका है, ये हमारा स्टोर है। उसके बाद पूछता है प्रोडक्ट टाइप, ये मस्ट है, वो हमसे पूछेगा मैंने ये बनाया हुआ है टी शर्ट्स का प्रोडक्ट टाइप का, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, मैं आपके लिए दोबारा से एक बना देता हूँ। एड न्यू, हम कहते हैं कि जी प्रोडक्ट टाइप क्या है, टी शर्ट्स 1 कर देते हैं, वो ऑलरेडी बना हुआ था, कंफर्म किया, यहाँ पे दोबारा टी शर्ट्स 1 आ गया। अब वो कह रहा है कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स कैटेगरी क्या है, मैंने बनाई हुई है लेकिन फिर मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। एड न्यू, हमारी कैटेगरी है, सॉरी एड न्यू, हम लिखते हैं मेन वियर, वियर्स ये आ गया, इसको कंफर्म किया, यहां से मेन वियर्स आ गया। शॉपिफाई मेथड क्या है जी, अब वो पूछ रहा है, सॉरी शिपिंग मेथड क्या है, हम यहाँ पे फिलहाल USPS रख देते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। आप डिफरेंट, यहाँ से हम इसको कंफर्म करेंगे और ये हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये यहाँ से हमने जो तीन प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं उसको हम अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये प्रोसेस कर रहा है, ये प्रोसेस करके हमें अभी कंफर्म कर देगा, ये एक हमारी लिस्टिंग सक्सीड हो गई है जी, बाकी दो अभी पेंडिंग है, वो उनको प्रोसेस कर रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वंस आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया
तो आपके लिए चीजों को अपने स्टोर के अंदर इंपोर्ट करना इंतहाई इजी हो जाएगा। इट्स टेकिंग टाइम। हम अपने स्टोर में चलते हैं जी, प्रोडक्ट्स में आते हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट्स आ गई जी, एक दो, और यहाँ पे उसने दो को सक्सीड कर दिया, एक हमारी प्रोडक्ट रह गई है, ये हमारी वो भी अभी, ये हमारी तीनों प्रोडक्ट आ गई जी। ये एक छोटा सा काम था वो जो आज हमने सीखा है। मैं इसको एक दफा दोबारा से आपके लिए रिव्यू कर देता हूँ, इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सीजे ड्रॉप शिपिंग पे जाना है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना है, कोई टफ नहीं है, सिंपल सा है। उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट्स वहां पे सर्च करनी है, प्रोडक्ट सर्च करके उनको हमने एड टू क्यू में लेके आना है। एड टू क्यू में जब लेके आएंगे, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट हमारी जो सिलेक्ट की होंगी वो क्यू में चली जाएंगी। हम जब क्यू पे जाएंगे तो वहां पे बल्क एडिटिंग एडिटिंग करेंगे उनको प्राइस देने के लिए। जब हम बल्क एडिटिंग देंगे उसके बाद उस प्राइस सेट हो जाएगी। प्राइस सेट होने के बाद वो उसको हमने अब अपने स्टोर में इंपोर्ट करना है। उसके लिए सीजे ड्रॉप शिपिंग की टर्म है मैनुअल लिस्टिंग या मैनुअल एडिटिंग है वहां पे। उसको क्लिक करेंगे, उन तमाम को सिलेक्ट करके कंफर्म करेंगे, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट हमारे स्टोर में आ जाएगी। ये थी जी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।